आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू के नूडल्स बनाने की रेसिपी। वैसे तो आप लोगों ने मार्केट में जो मैदा के नूडल्स आते हैं वो खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये हेल्दी आलू के नूडल्स बनाने की रेसिपी। और ये बिल्कुल भी आप खाकर नहीं पहचान पाएंगे कि किसके बने हैं। चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और आलूओं का हम जो है छिलका निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को जो है छील लिया है। उसके बाद अब हमें इसको जो है ग्रेट करना है। तो ये जो सबसे बड़ा वाला ग्रेटर होता है ना, उससे मैं जो है आलूओं को पानी में ग्रेट कर रही हूँ। आलूओं को पानी में मैं इसलिए ग्रेट कर रही हूँ जिससे कि आलू जो है काले ना हो। तो सारे आलूओं को हम जो है इस तरीके से इसमें ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ग्रेट करने से इसके जो है लंबे लंबे जो है लच्छे जो है बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इनको जो है 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद एक स्ट्रेनर में निकाल दिया था, इनका सारा पानी निकल गया है। उसके बाद एक बोल में डाला है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे गेहूँ का आटा। तो क्योंकि हम ये हेल्दी नूडल्स बना रहे हैं इसलिए मैं गेहूँ का आटा इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप। आप चाहें तो मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा डाला है और आटे डालने के बाद इनको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने भी आलू के स्लाइसेस हैं उसमें गेहूँ का आटा जो है अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अभी मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इन आलूओं को स्टीम करना है, बॉईल नहीं करना है, स्टीम करना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी लिया है और स्टैंड के ऊपर इस तरीके से होल्स वाली प्लेट रखनी है। आप चाहें तो स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आलूओं को हमने जो है ग्रेट किया था ना, वो इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इनको जो है स्टीम करेंगे। तो ढक देते हैं और इनको जो है स्टीम कर लेंगे। इनको हमें बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 6 से 7 मिनट के लिए हम जो है इनको स्टीम करेंगे। तो अभी मैंने जो है इन आलूओं को स्टीम कर लिया है। 6 मिनट हो चुके हैं और इन्हें जो है चेक कर लेंगे। आलू हमें ओवर कुक नहीं करने हैं, थोड़े से कच्चे ही रखने हैं। तो अभी मैंने इनको जो है पका लिया है, ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, इनको ठंडा होने देंगे। और अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें हम जो है ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब हमें बिल्कुल इनको जो है वैसे ही फ्राई करना है जैसे हम जो है नूडल्स को करते हैं। तो ऑयल अभी अच्छा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें कुछ लहसुन की कलियों को काट करके इसमें बारीक डाल दिया है मैंने। 1 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई। लहसुन को अच्छे से जो है भून लेंगे। लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज। इस तरीके से स्लाइस में मैंने कट करके इसको लिया है जैसे नूडल्स में डालते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉटे कर लेना है, क्योंकि जब नूडल्स में जो प्याज है वो थोड़ी कच्ची रहती है तो उसका क्रंची क्रंची जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी प्याज जो है हमारी अच्छे से सॉटे हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर और थोड़ी सी पत्ता गोभी इस तरीके से कट किया हुआ। और इन सब्जियों को भी जो है अच्छे से पका लेंगे। तो ढक करके मैं जो है इन सब्जियों को भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। अभी मैंने सब्जियों को थोड़ी देर के लिए पका लिया है, इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी भी हमारी जो है अच्छे से पक चुकी हैं। इन्हें भी हमें जो है ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रहे ऐसा ही पकाना है हमें इनको। अभी सब्जियां भी हमारी पक चुकी हैं। अब जो हमने नूडल्स बनाए थे ना आलू के, वो ठंडे होने के बाद बिल्कुल जो है एकदम खिले खिले हो जाते हैं। एक एक नूडल्स इस तरीके से ये देखिए अलग अलग हो जाता है। अब मैंने इसमें ये जो आलू के नूडल्स बनाए थे वो डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच विनेगर डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स मसाला। तो जो नूडल्स वाले मसाले यूज़ करते हैं ना, वो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच डाला है। अभी अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो
तो ये जो मैंने नूडल्स बनाए हैं ना, इनको देखकर कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये आलू के नूडल्स हैं। और खाने में तो इनका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अभी ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं, ये नूडल्स हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो मैंने ये नूडल्स घर में बनाए और सभी को खिलाए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में ये रेसिपी सबको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।